हेलो गाइस, आज जहां पे कल हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो लेटेंट हीट पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हमारा एक कंक्लूजन निकलता है यहां से। देखो, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे P1 इक्वल टू कांस्टेंट, फिर सपोज करो ये दूसरी लाइन है, इस पे आपका ये जो लाइन है P2 इक्वल टू कांस्टेंट, तीसरी लाइन है सपोज करो यहां पर P3 इक्वल टू कांस्टेंट, और ये चौथी लाइन है P4 इक्वल टू कांस्टेंट, एंड P4 इज ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, ठीक है। यानी कि प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ऐसे आती जाएंगी। देखो, अब इस फर्स्ट केस में यहां पर आपकी ये जो है ये वैल्यू है लेटेंट हीट 1, ये वैल्यू है लेटेंट हीट 2, ये वैल्यू है आपकी लेटेंट हीट 3, ठीक है। अब देखो, यहां से हमें पता चल रहा है कि ये लेटेंट हीट की जो वैल्यू है, इसके बाद ये लेटेंट हीट की वैल्यू है, ये कम है और भी कम। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है लेटेंट हीट की वैल्यू कम हो रही है, और क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचते ही लेटेंट हीट कितनी हो जाती है, 0। तो यहां पर पूरा लिक्विड है और यहां आते ही डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, नोट लिख रहे थे हम, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। इसमें लिखेंगे विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीजेस, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीजेस एंड एट क्रिटिकल पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज जीरो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी हो जाती है, क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचते ही 0। यहां से डिक्रीज होनी शुरू होती है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज होगी और क्रिटिकल पॉइंट पे आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0 हो जाएगी। दैट इज, लिख सकते हैं हम, लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज ऑफ टू वेपर, ऑफ इनटू वेपर। इसका मतलब यह है कि लिक्विड जो है एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे लिक्विड जो है वो डायरेक्टली आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लैश, जैसे कैमरे का फ्लैश होता है ना, कितने, एक सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो उतने टाइम में डायरेक्टली आपका वेपर में कन्वर्ट हो, यानी कि टाइम नहीं लगेगा, एक सेकंड के भी आधे से भी आधे सेकंड में आपका लिक्विड जो है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचते ही, ठीक है। तो यही है, लेटेंट हीट आपकी डिक्रीज हो रही है, क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट 0 हो जाती है और लिक्विड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका वेपर में, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं इससे। सेंसिबल हीट हीट एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज इज नोन एज
सेंसिबल हीट, ठीक है, जो टेम्परेचर चेंज के साथ एसोसिएटेड होती है हीट, हीट चेंज, उसको बोलते हैं हम सेंसिबल हीट, ठीक है। और क्यों सेंसिबल होती है, एम सी डेल्टा टी, देखो यहां पर चेंज टेम्परेचर के साथ आपकी चेंज होगी, जितना टेम्परेचर आपका बढ़ेगा उसी हिसाब से आप हीट दोगे, उसी हिसाब से वो, देखो सिंपल सी बात है, जब हमने टीएस डायग्राम पढ़ा था तो इस रीजन में जैसे जैसे आप हीट दे रहे हो वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड रीजन में टेम्परेचर कांस्टेंट, थर्ड रीजन में फिर से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में जो हीट चेंज आएगा, जो हीट आप दे रहे हो वो किस में काउंट होगी, सेंसिबल हीट में, ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में। और जो सेकंड रीजन में जो हीट आप दे रहे हो वो कहां जाएगी, लेटेंट हीट में, ठीक है, क्योंकि यहां पर सेकंड रीजन में तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में जो हीट जाएगी वो किस में जाएगी, सेंसिबल हीट, उसको बोलेंगे हम सेंसिबल हीट, और सेकंड रीजन वाली हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। और हाँ, जब तक आपका कांस्टेंट प्रेशर पे है, जब तक आपका सेंसिबल हीट भी जो दे रहे हो आप, अगर हीट आप कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो तो उसको भी डायरेक्टली आप डीएच के इक्वल लिख सकते हो, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो जैसे आपका ये है, यहां से यहां तक जो हीट दी आपने 1 to 2, तो डायरेक्टली लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, क्योंकि आपने कॉन्स्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस की है, ठीक है। इसको भी आप H2 माइनस H1 लिख सकते हो, जैसे आपने लेटेंट हीट में लिखा था, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसको क्वालिटी भी बोल देते हैं, जिसको हम X से डिनोट करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्चुअल में ये बताता है कि जो आपका वेट रीजन है उसके अंदर कितना पार्ट आपका ड्राई है, यानी कि कितना पार्ट आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया है, वो चीज बताता है ये। और इसकी वैल्यू होती है, ये होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ टू द टोटल मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएगी मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल मास। देखो जो वेट रीजन के अंदर है टोटल मास किसके इक्वल है, वेपर प्लस सॉरी लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। वेट रीजन में क्या है आपके पास, दो ही तो चीज है, एक तो लिक्विड पोर्शन है और दूसरा वेपर पोर्शन है, ठीक है, ये वेपर है और ये लिक्विड है। तो मास ऑफ टोटल मास क्या हो जाएगा इसका, मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। तो यहां पर x की वैल्यू लिख सकते हैं एम वी डिवाइड बाय एम एल प्लस एम वी, ठीक है, x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, ये है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये एक्चुअल में बता रहा है कि कितना पार्ट आपका उसका ड्राई है, कितना पार्ट आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया है। चलो देखते हैं थोड़ा सा इसको, ड्राइनेस फ्रैक्शन, इस टाइप से इस लाइन पे सपोज करो ये 1 पॉइंट है और इधर इस लाइन पे सपोज करो 2 पॉइंट है, ठीक है। 1 पॉइंट पे एक्स वन की वैल्यू निकालोगे तो देखो इस जगह पे वो अभी तक तो वेपर बननी स्टार्ट ही नहीं हुई है, इस जगह पे 1 पॉइंट पे यहां पर एम वी वन क्या है, जीरो, एम वी क्या है, जीरो, इस पॉइंट पे एम वी जीरो है, तो जीरो डिवाइड बाय एम एल प्लस जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, जीरो,
यानी कि इस वन पॉइंट पे जो ये वन पॉइंट है यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। चलो टू पॉइंट पे देख लेते हैं x2। इस टू पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते सारा का सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। यहां से वन से चले हम, टू पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते सारा का सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। तो यहां पर मास ऑफ लिक्विड जीरो है, इस टू पॉइंट पे क्या है, मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू जीरो। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, मास एम वी लिखेंगे यहां पर एम एल की जगह जीरो प्लस एम वी, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई, वन। एक्स की वैल्यू कितनी आई, वन, यानी कि इस वन पॉइंट पे या इससे इधर यहां पर एक्स की वैल्यू होती है आपकी जीरो, और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन। इस रीजन में भी, इस रीजन में क्योंकि मास ऑफ लिक्विड जीरो है तो इसलिए एक्स की वैल्यू वन आएगी, और इस रीजन में भी क्या होगा, एक्स की वैल्यू इधर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यानी कि ये वन से टू तक ही वेरी करेगी, जीरो से वन, इस वन पॉइंट से लेके टू पॉइंट तक वेरी करेगी, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, जीरो से लेके वन तक। वन होने का मतलब है कि 100% आपका वेपर है। वन का मतलब परसेंटेज निकालोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आपका वेपर है यहां पे, और जीरो होने का मतलब यहां पर वेपर क्या है, जीरो है। ठीक है, वेपर की कितनी क्वांटिटी है आपकी, जीरो। तो हम जो एक्चुअल में इसको हम बना लेते हैं, देखो क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू इस जगह पे x इक्वल टू कितनी आएगी, जीरो, और इस जगह पे कितनी आएगी, x इक्वल टू वन। ठीक है, एक जगह x इक्वल टू जीरो और दूसरी जगह x इक्वल टू वन। अब देखो, अब यहां क्रिटिकल पॉइंट से आपकी ये वाली वैल्यू, सपोज करो x इक्वल टू 0.1 है, और इधर ये 1 है, तो 1 से पहले क्या आएगा, सपोज करो ये आपकी 0.9। इसी तरह से ये सपोज करो 0.2 है, और ये कितनी है, 0.8 है। ठीक है, यहां पर 0.3, 0.4 और 0.5, 0.6, 0.7, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी करती है, 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9। इनके बीच में भी फ्रैक्शन होगा, इनके बीच में भी लाइंस होगी। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चल रहा है कि ड्राइनेस फ्रैक्शंस जो लाइन है, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन, यानी कि इस पूरी लाइन पे यहां तक, इस पूरी लाइन पे x इक्वल टू जीरो, इस पूरी लाइन पे यहां से यहां तक x इक्वल टू 0.1, इस पूरी की पूरी लाइन पे आप ड्राइनेस कॉन्स्टेंट है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कॉन्स्टेंट लाइन जो भी है वो कहां पे जाके मिल रही है आपकी, वो मिल रही है आपकी क्रिटिकल पॉइंट पे। यहां जो था ये पॉइंट, इसको क्या बोल रहे थे हम, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो सारे की सारी लाइंस कहां मिल रही है आपकी, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, देखो कुछ चीजें यहां पे अभी तक जो लिखा, एक तो ये कि ड्राइनेस फ्रैक्शन अलोंग लिक्विड सैचुरेटेड लाइन इज जीरो एंड अलोंग वेपर सैचुरेटेड लाइन इज वन। ये लिक्विड सैचुरेटेड लाइन है यहां पर, इसके अलोंग एक्स की वैल्यू जीरो है, जो वेपर सैचुरेटेड लाइन है उसके अलोंग एक्स की वैल्यू कितनी है, वन है। ठीक है, पहली चीज तो ये, दूसरी चीज सेकंड क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन लाइंस कन्वर्जेस
एट क्रिटिकल पॉइंट, कहां पर कन्वर्ज हो रही है सारी की सारी लाइनें जाके आपकी क्रिटिकल पॉइंट पे, सारी की सारी लाइनें कहां कन्वर्ज हो रही है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस कन्वर्जेस एट क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी बता सकते हो? क्रिटिकल पॉइंट पे देखो ये जीरो वाली भी वही मिल रही है, वन वाली भी वही मिल रही है, सारी की सारी लाइनें वही मिल रही है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगी? क्रिटिकल पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट ड्राइनेस फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, यहां पर डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जीरो भी वही मिल रहा है, वन भी वही मिल रहा है, जीरो पॉइंट वन भी वही मिल रहा है, तो किसको डिफाइन करोगे आप? क्या है? कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन है। तो ये हुआ ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी है, बस यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो है, यहां पे वन है, और बीच में यहां पे वेरी करेगी जीरो टू वन, ठीक है? देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0.1 ही होगी, 0.15 भी हो सकती है, ठीक है? सपोज करो यहां पर ये एक लाइन है, इसमें वैल्यू है 0.15, इनके भी फ्रैक्शन में कितने भी पॉइंट तक जा सकता है फ्रैक्शन, ठीक है? तो ये सारी की सारी लाइनें आप ये कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन है, यानी कि जैसे इस पूरी लाइन पे एक्स जीरो है, तो सेकेंड वाली लाइन पे पूरी पे एक्स की वैल्यू 0.1 होगी, ठीक है? चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में आपको पता चल गया, अब देखते हैं हम, अब निकालते हैं हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? सपोज करो यहां पर है आपका पॉइंट, यहां पर क्या है? वन पॉइंट है, ये वन पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बीच एग्जैक्टली बीच में हो, मतलब इस यहां से लेके यहां तक, सपोज करो यहां है, यहां ये वन पॉइंट है, मैंने यहां पे लिख दिया, तो वन पॉइंट पे क्या होगा? लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, तो इस जगह पे क्या होगा आपका? लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, ये पूरी की पूरी कंडीशन इसकी, लिक्विड प्लस वेपर, ठीक है? तो जो मास होगा, टोटल मास जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड होगा, मास ऑफ, टोटल मास किसके इक्वल होगा? मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, और जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वेपर प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है? अब देखो ये कैपिटल वी है, ये तो वॉल्यूम है, ठीक है? ये कैपिटल वी जो है वॉल्यूम है, लेकिन स्मॉल वी जो होगा उसको लिखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी, ये होता है आपका कैपिटल वी बाय एम। स्मॉल वी क्या होता है? कैपिटल वी, वी बाय एम, ठीक है? तो यहां से, इधर से, यहां से कैपिटल वी की वैल्यू जो आएगी, मास इधर चला जाएगा, तो स्मॉल वी यानी कि मास इनटू स्मॉल वी, स्मॉल वी को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपिटल वी की वैल्यू आ जाएगी। ये एक चीज आई। दूसरी, ऐसे ही आप कैपिटल वी ऑफ लिक्विड अगर लिखोगे तो मास ऑफ लिक्विड स्मॉल वी ऑफ लिक्विड, ऐसे ही कैपिटल वी वेपर के लिए लिखोगे तो मास ऑफ वेपर इनटू स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वेपर, स्मॉल वी ऑफ वी वेपर के लिए, स्मॉल वी, स्मॉल वी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है? तो ये जो इक्वेशंस है इनको इसमें पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी? इसमें पुट करेंगे तो कैपिटल वी की जगह स्मॉल वी इनटू स्मॉल एम इनटू स्मॉल V, मास इनटू स्मॉल वी लिखेंगे, वी वी की जगह, देखो ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, वी वी की जगह
तो क्या आएगा एम वी प्लस वी वी, और एम एल की जगह ये आएगा एम एल इंटू वी एल। ठीक है, अब ये जो मास है इसको इधर से डिवाइड कर दो सबके नीचे, मास को क्या करो, इस मास को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा एम वी बाय एम इंटू वी वी प्लस एम एल इंटू वी एल डिवाइड बाय एम। और एम क्या है, एम है एम आपका एम वी प्लस एम एल, तो इसको हम लिख लेते हैं नीचे वाले एम को, यानी कि उप यहां पर आया एम वी डिवाइड बाय एम वी प्लस एम एल इंटू वी ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ वेपर प्लस एम एल डिवाइड बाय एम वी प्लस एम एल इंटू वी एल, ये आई वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, मैं फिर से बता देता हूं। देखो मास क्या होगा, टोटल मास, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ लिक्विड। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेपर प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, कैपिटल वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास को ही तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो यानी कि कैपिटल वी की वैल्यू क्या आई, एम इंटू स्मॉल वी, ऐसे ही कैपिटल वी एल की वैल्यू क्या आएगी, एम एल इंटू स्मॉल वी एल, और कैपिटल वी वी की वैल्यू क्या आएगी, एम वी इंटू स्मॉल वी वी, वी स्मॉल वी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, और इन सबको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर मास को यहां पे डिवाइड कर देंगे और मास की जगह क्या लिख देंगे, एम वी प्लस एम एल, ये इक्वेशन आई हमारे पास। चलो फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं आपको ये इक्वेशन, ऊपर लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये वी टोटल वी बता रहा ना, मिक्सचर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय एम वी प्लस एम एल इंटू इसके मल्टीप्लाई में था आपका वी वी प्लस एम एल डिवाइड बाय एम वी प्लस एम एल इंटू वी एल। ठीक है, अब देखो हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या थी, हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या थी, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसके इक्वल है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू के इक्वल, ये किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये वाली वैल्यू एम वी डिवाइड बाई एम वी प्लस एम एल किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, लेकिन ये किसके इक्वल है नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में ये वैल्यू आपकी 1 माइनस एक्स के इक्वल है। देखो अगर 1 माइनस एक्स करते हो, 1 माइनस एक्स करने का मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स की जगह एम वी डिवाइड बाई एम वी प्लस एम एल। ठीक है, आप एलसीएम लोगे एम वी प्लस एम एल, 1 माइनस एक्स में यहां पर लिख देता हूं, इसकी आप एलसीएम लोगे एम वी प्लस एम एल, तो 1 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर एम वी प्लस एम एल माइनस एम वी। देखो यहां पे एम वी से ये एम वी कैंसिल हो गया है, तो यहां पर बचा आपके पास एम एल डिवाइड बाय एम वी प्लस एम एल। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, सेकंड वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है आपकी, 1 माइनस एक्स के इक्वल, ये किसके इक्वल आएगी, ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू यही तो आई, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 माइनस एक्स के इक्वल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू एक्स इंटू वी वी प्लस 1 माइनस एक्स इंटू वी एल। और
एक्चुअल में स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर जो होगा यहां पर जो होगा वही यहां पे होगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ इसमें लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो लिक्विड कहां पर है, यहां पर, तो यहां पर क्या होगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और यहां पर जो होगा वो होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कौन सी लाइन पे है, लिक्विड सैचुरेटेड लाइन पे। ये जो है एक्चुअल में स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होगा वो यहां पर होगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वेपर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किस पे है, इस जी एफ कर्व पे, और ये जो पॉइंट है किस पे है, जी कर्व पे। तो यानी कि वी एल को क्या लिख सकते हैं हम, वी जी, तो वी इज इक्वल टू एक्स इंटू वी वी को क्या लिख सकते हैं, वी जी प्लस में वन माइनस एक्स इंटू वी एल को क्या लिख सकते हैं, वी एफ। ठीक है, वी एल को क्या लिख सकते हैं, ये एफ को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, तो वी एफ लिख सकते हैं इस लाइन पे, इस वी वी को क्या लिख सकते हैं हम, वी जी लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू जो आई वो आई x इंटू वी जी प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी एफ माइनस x इंटू वी एफ, इसमें और इसमें से x कॉमन ले लो और उसको इधर लिख दो, तो v की वैल्यू आप लिख सकते हो वी एफ प्लस x इंटू वी जी माइनस वी एफ। ठीक है, यही है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, V इसका रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V जो है वी एफ प्लस एक्स इंटू वी जी माइनस वी एफ को कैसे क्या लिख सकते हैं, वी एफ जी आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं एक बार यहां से, V जो था स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, इसमें ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 1 माइनस x के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू x की है और ये किसकी है, 1 माइनस x की है, 1 माइनस x करके देखोगे तो आपको यही आएगा। लेकिन ये वी वी जो है वी वी ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को, वी वी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इस पॉइंट को। ठीक है, पर यूनिट मास ले रहे हो आप इसको, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, पर यूनिट मास, तो ये इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेपर पर यूनिट मास अगर ले रहे हो तो आप किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वी जी को, और ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट मास लोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी एफ को। तो इसको डायरेक्टली वी एफ लिख सकते हैं, और वी इसको वी जी और इसको वी एफ, इसको वी जी लिख दिया और इसको वी एफ लिख दिया, आगे सोल्व किया तो ये इक्वेशन आई, वी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स इंटू वी जी माइनस वी एफ, या वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी, वी एफ जी भी लिख सकते हैं ना, वी जी माइनस वी एफ को। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर, ऊपर लिखेंगे v इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स इंटू वी जी माइनस वी एफ, और वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी। ये जो है ये एक्चुअल में ये जो पॉइंट है, ये वन पॉइंट जो आपका लिया था आपने इस वेट रीजन में, ये कहीं भी हो सकता है। देखो, अगर ये वन पॉइंट इस जगह पे हुआ, इस जगह पे हुआ, तो x की वैल्यू क्या है यहां पे?